वहीं राजद द्वारा बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर धरने पर मंत्री श्रवण कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वे मुद्दा विहीन है और जबरदस्ती का मुद्दा जनता के सामने ले जाकर जनता को भड़काना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे सस्ती बिजली किसानों को दिया जा रहा है। वहीं बिहार में बाढ़ की स्थिति पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुद कहीं इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। किसानों को सबसे सस्ती, देश में सबसे सस्ती बिजली देता है मात्र 45 पैसा में, तो नहीं ज्यादा लिखे जा रहे हैं, लेकिन जो जायज है, जो नियमानुकूल है, जो विधि सम्मत वही पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी इनको लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो हमारे पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। ये मुद्दा के लिए, मुद्दा उठाने के लिए कि जनता को कैसे हम अपने पक्ष में खड़ा कर सकते हैं, अपने पक्ष में रख सकते हैं, इसमें विपक्ष जो काम है वो अपना कर रहा है। विपक्ष का सरकार का जो भी काम है उसका विरोध करना है, वो काम विपक्ष करता रहता है। विपक्ष को जानना चाहिए, समझना चाहिए, तब इसका विरोध करना चाहिए। बिहार देश का पहला राज्य है जहां सबसे महंगी बिजली खरीदी जाती है। 5.82 रुपये में 1 यूनिट बिहार बिजली खरीदता है। और बिहार जो है किसानों को सबसे सस्ती, देश में सबसे सस्ती बिजली देता है मात्र 45 पैसा में 1 यूनिट बिजली किसानों को हम देते हैं।